हेलो गाइस, तो ये मॉर्निंग की क्लिक है और दिन है मंडे की। तो बस यहाँ पे स्कूल के जाएगा, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर रही हूँ। तो वो लंच बॉक्स भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी। तो बस मैं यहाँ चने की दाल बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ टमाटर, मिर्च और छोंक लगा दी हूँ बिन प्याज लहसुन का। तो आज से हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं होगा, तो मैं धनिया पत्ता डाल दी हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी चने दाल हो गई है और मैं यहाँ पे ये फर्स्ट रोटी गाय की है। तो मेरी माँ ने कहा था कि गाय को ऐसे रोटी नहीं दिया जाता है, तो पहले मैं ऐसे ही देती थी, तो अब बोलती कि मीठी रोटी देनी चाहिए। तो ऐसे मैंने कहा कि चीनी ऐसे देती हूँ तो गिर जाता है, इनके पापा को दिक्कत होता है देने में, तो वही ले जाते हैं। इधर तो इतना गाय आते नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना रोटी में ही चीनी डाल के बेल देती हूँ, तो बस इजीली होता है देना। तो बस मैं ऐसे ही बना देती हूँ गाय की रोटी। और यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। तो अंकित जब भी स्कूल जाता है तो मम्मी बोलते हैं सूखा मत दीजिए, पराठा या घी वाली रोटी दे दीजिए। तो ऐसे तो मैं घी नहीं निकालती हूँ, और मेरे यहाँ इतने मक्खन नहीं होते कि मैं घी निकालूँ। तो मेरे मैके में ही घी आता है, मेरी भाभी बना के दे देती है, क्योंकि अंकित को ज़्यादा पसंद है ना, और यहाँ पे आकृति घी नहीं खाती है, तो मैं उसी के लिए घी मेरी मम्मी दे देती है। तो भाभी बनाती है तो भाभी दे देती है कि जानता है वो खाता है। तो बस यहाँ पे मेरे वहाँ मैके में गाय है, तो यहाँ पे मैं पराठा बना दे रही हूँ। और पराठा मैं जब भी फोल्ड करती हूँ तो मैं इसमें थोड़ी सी तेल लगा देती हूँ ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा होती है। तो बस यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स उसका बना रेडी हो गया था, और अंकित को मैं दे दूँगी। और आकृति का स्कूल छुट्टी है, तो बस उसके बाद मैंने सारे काम करके नहा धो के आ गई थी। और आज थोड़ी कुछ ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि आज प्रथम पूजा है माता रानी का। तो यहाँ पे माँ के पुरानी चुंडी थी तो मैं उसको निकाल दी हूँ, और माला को, तो उसको मैं निकाल दी हूँ और न्यू चुंडी उठा दी हूँ, और यहाँ पे मैंने माला लगा दी हूँ। तो आज यहाँ पे मैं नीचे ही रख के ही पूजा कर रही हूँ, और मैं ना कलश चढ़ा बिठाती हूँ, मैं ऐसे सिंपल तरीके से माँ को ध्यान करती हूँ। मेरे मन को काफ़ी सुकून मिलता है और मैं चालीसा पढ़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लग रही है आज माँ तेरी भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़े माँ, दानव दल पर टूट पड़े माँ, करके सी सवारी सो सिंहों से बल साली, अष्ट भुजाओ वाली दुखियों के दुख को। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, तो बस यहाँ पे आप सभी ले लीजिए माता रानी का आशीर्वाद दोस्तों। तो बस हैप्पी नवरात्रि आप सभी यूट्यूब फैमिली वालों को। और यहाँ पे मैंने पूजा हो गई है। हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हो? आज आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो बस मैं पूजा वूजा हो गया है और काफ़ी लेट हो गई है, फर्स्ट टाइम था। तो आज आकृति ने काफ़ी हेल्प की है, तो आकृति पूजा के टाइम जल्दी घर में रहती है तो हेल्प करती है। तो इसने बर्तनों को धोया, पूजा के बर्तनों को, और लड्डू को नहा दी थी, और मेरे साथ थोड़ी बहुत पूजा की और उठ गई, उसको भूख लग गया तो वो खा ली। तो दोस्तों मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। और यहाँ लंच के टाइम में मैं मिल रही हूँ आप सभी से। तो मैं आज मैंने कड़ी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पकोड़ों को तल लिया था सिंपल तरीके से, मैंने छोटे छोटे पकोड़े तले थे बस बिन प्याज लहसुन का। तो बस यहाँ आज से मेरे घर में अष्टमी तक लहसुन प्याज नहीं होगा, और मैं अष्टमी को फास्टिंग रखती हूँ, रोज हमेशा फास्टिंग नहीं रखती हूँ दोस्तों। बस मेरे मन में माँ को बस कोई भी पूजा हो बस अच्छा सा पुकार के पूजा कर लेती, मेरे मन में जो भी दुख है ना थोड़ी सी कम हो जाती हैं माता रानी से। चाहे कोई भी पूजा हो मैं उनसे दुख अपने काट लेती बांट लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने जीरा दे दिया था और लाल मिर्च एक डाल दी थी, और यहाँ पे मैं हल्दी डाल दी हूँ, और फेंट लूँगी बेसन और दही को। तो थोड़ी सी बेसन दही थी तो मैंने कहा कि चलो आज बेसन की कड़ी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं नमक मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि बाद में सोखेगी ही, तो इसलिए बस मैं यहाँ पर छोंक लगा दे रही हूँ। और बच्चों लोग को थोड़ी उतना पसंद नहीं आती, हमारे घर में कड़ी उतना पसंद नहीं आती है, तो कभी कभी मैं बना देती हूँ तो खा लेते हैं। तो बस मैं आज बोली कि मैं दही है तो मैं बना दे रही हूँ। ऐसे तो आकृति अंकित को दही काफ़ी पसंद है, तो थोड़ी बहुत सर्दी थी ना इसलिए मैंने नहीं दी हूँ ऐसी दही। तो बस यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ और यहाँ पर छोंक लगा दूँगी। तो चावल के साथ गर्मा गर्म खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे सबको पसंद नहीं आता है, तो कभी कभी अपने मन मर्जी का बना ही लेती हूँ और वो भी लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं इतना ही रखूँगी ग्रेवी उसकी, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखूँगी क्योंकि गाढ़ी वाली अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद मैं नमक डाल दे रही हूँ और मैंने पकौड़ों को दे दूँगी। तो और मैं दोस्तों लोग मेरे ना बहुत सारे आ रहे हैं और चले जाते हैं, मेरे सब्सक्राइब कम होते रहते हैं, तो बस ऐसा मत किया कीजिए। मैं हमेशा सबके वीडियो पे ईमानदारी से जाती हूँ और वाच भी करती हूँ दोस्तों। तो बस ये मैं किसी को
किसी को कैसे बताऊं, तो मैं ये बताने की चीज़ नहीं कि मैं उसके वीडियो पर जाती हूँ बात करती हूँ। तो बस ऐसा मेरे जो वीडियो में आते हो तो प्लीज़ आन मत क्या कीजिए, बस आप लोग को अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्राइब बढ़ने से ना मन में काफ़ी सुकून मिलता है, जब वही घट जाता है ना तो मन में बहुत दुख होता है, तो ऐसा मत क्या कीजिए। और यहाँ पे मेरी कड़ी बन गई थी, मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का छोंक लगा दी हूँ और कड़ी पत्तों का, तो बस रेडी हो गई है हमारा बेसन कड़ी पकौड़ा, और गर्मा गर्म बच्चों लोगों को मैं दे दूँगी, तो ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, तो देख सकते हो कितनी टेस्टी बनी है। और यहाँ पे बच्चों लोग खा लिए थे तो बच्चे लोग भी कड़ी खाए थे, उन लोग को अच्छा लगा, और यहाँ पे मैं नहीं खाई थी तो मैंने कपड़ों को काफ़ी कपड़े धोए थे, पीलो के कवर थे बेलशीट, तो बस इसको फोल्ड कर लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।